नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको एनआईए के हवाले से खबर दिखा देते हैं। अलग अलग जगहों पर किस तरह से आप देखिए, बड़ी छापेमारी जो है वो एनआईए की तरफ से यहां पर की जा रही है और टेरर फंडिंग मामले की जांच ने अब यहां पर जोर पकड़ लिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 14 जगहों पर छापे मारे हैं। जम्मू, कुलगाम और पुलवामा में इस वक्त लगातार अभियान जो है वो चल रहा है और जम्मू से कुलगाम का शख्स जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट एनआईए के हवाले से आप देख रहे हैं, जहां पर एनआईए एक एक करके किस तरह से शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। टेरर फंडिंग का ये पूरा मामला है और टेरर फंडिंग को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से, और जम्मू कश्मीर में यहां 14 जगहों पर छापेमारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जिसमें जम्मू, कुलगाम और पुलवामा में ये अभियान तेज पकड़ते जा रहे हैं। और पूरी तरह समझिए कि कुलगाम का एक शख्स जो है वो यहां हिरासत में लिया गया है टेरर फंडिंग का मामला, और साथ ही साथ जिस शख्स को यहां पर गिरफ्तार किया गया है उसके पास से किस तरह से यहां पर बड़े खुलासे और बरामदगी यहां पर की जाएगी, ये बड़ी बात। क्योंकि इस वक्त बड़ी अपडेट आप एनआईए के हवाले से देख रहे हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और एनआईए की तरफ से जिस तरह से ये बड़ी जांच बिठाई गई है, तो जाहिर तौर पर किन लोगों के चेहरे सामने आएंगे ये देखने वाली बात है। तीनों तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जम्मू में आप देख सकते हैं एनआईए की तरफ से किस तरह से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, और कुलगाम के अंदर भी आप देखिए किस तरह से छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है, वहां पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। पुलवामा की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर भी हालात जो है वो नासाज बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनआईए की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आदिल पुलवामा से हमारे संवाददाता सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, अभी तक की लेटेस्ट क्या अपडेट है वहां पर? मैं आपको बताऊं कि कुलगाम के साथ साथ आज जनूबी कश्मीर के पुलवामा में भी अलल सुबह जो एनआईए है उनके जानिब से जो है छापामार कार्रवाई की गई, और बताया जा रहा है कि जो ये छापामार कार्रवाई ये एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के घर पर हुई, जहां पे एनआईए की टीम के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ भी मौजूद थी। उन्होंने इस रिटायर्ड ऑफिसर के घर पे जो है उसके घर पे छापामार कार्रवाई की है। दस्तावेज है, फोन जो मोबाइल फोन है उनकी छानबीन की गई और जो घर वाले है उनके साथ पूछताछ की गई। हालांकि ये भी इस बात सामने आ रहा है कि जो कुछ मोबाइल फोन है जो इनके घर वाले के हैं वो एनआईए ने अपने साथ ली है, और फिलहाल जो एनआईए की टीम है वो यहां से निकली है। फिलहाल जो ये बताया जा रहा है कि जो किस मिलिटेंट शायद मिलिटेंट के केस की हवाले से ये रेड पड़ी थी। पुलवामा के अंदर सिर्फ एक ही जगह पर ये रेड हुई है या फिर अलग अलग जगहों पर, और अगर अलग अलग जगहों पर हुई है तो कहाँ कहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो एनआईए की जान से रेड हुई है फिलहाल पुलवामा में एक ही जगह पड़ी थी, पुलवामा के द्रुगाम के इलाके के अंदर जो पुलवामा हेडक्वार्टर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पे रेड पड़ी थी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के घर पर, जो बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर के बतौर रह चुके हैं। चलिए आदिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने तस्वीरें पुलवामा से देखी, जहां पर रिटायर्ड पुलिसकर्मी के घर में ये छापेमारी हुई है, और कहीं ना कहीं अब आप देखिए वहां से दस्तावेज उठाए गए हैं, कई तरह की अब कार्रवाइयां जो है वो की जाएंगी एनआईए की तरफ से, क्योंकि इस वक्त पहली कार्रवाई आपने देख लिया कि पुलवामा की द्रगमुगला इलाके के अंदर हुई है और एक ही जगह में यहां पर पुलवामा के अंदर ये कार्रवाई हुई है। अब यहां पर आपको ये दिखा देते हैं कि जम्मू, कुलगाम और भी जो 14 जगह बताई गई है कहां कहां पर ये छापेमारी यहां पर हुई है, ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है क्योंकि टेरर फंडिंग का मामला है और इससे पहले भी एनआईए लगातार जांच जो है वो करती आई है, और उसके साथ साथ आपने ये भी देखा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो को मद्देनजर रखते हुए कई तरह की कार्रवाइयां भी की गई। लेकिन उस बीच में आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही थी, अब किन किन लोगों के चेहरे सामने आएंगे ये बड़ी बात रहेगी। आगे बढ़ जाते हैं, अब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से ही निष्कासित किए गए तीनों नेता कुछ अन्य सियासी दलों के संपर्क में थे और पार्टी हाईकमान ने तीनों नेताओं पर नजर रखी हुई थी, और इसकी पुष्टि होते ही इन तीनों को छुट्टी पर यहां भेज दिया गया, यानी कि छुट्टी इनकी कर दी गई, और ये खुलासा डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की महासचिव और पूर्व मंत्री आरएस चिप ने किया है। उन्होंने बताया कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद यहां ताराचंद, बलवान सिंह और डॉक्टर मनोहर लाल की पार्टी गतिविधियों से वाकिफ थे, और यही वजह है कि उन्होंने इन तीनों को किस तरह से बातचीत करते हुए नजर आए थे, किनारा उन्होंने कर दिया। लेकिन दूसरी अपडेट आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से जम्मू के भाजपा मुख्यालय के बाहर फरियादियों का लंबा जो तांता है वो देखा गया है, और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि किस तरह से यहां पर बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। रेबरे खेल टीचरों का यहां पर प्रदर्शन हो रहा है,
और जम्मू के भाजपा मुख्यालय के बाहर फरियादियों का अब अंबार लग गया है और कश्मीरी पंडित विस्थापित मुलाजिमों ने यहां बाल बच्चों समेत धरना प्रदर्शन दे दिया है और हैबरेखेल टीचर भी भाजपा के खिलाफ यहां पर लामबंद हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए किस तरह से देखने को मिल रही है, जहां पर एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। कश्मीरी पंडित विस्थापित मुलाजिमों का धरना प्रदर्शन जम्मू के अंदर जारी है क्योंकि भाजपा मुख्यालय पर ये पूरे लोग जमा हो गए हैं। रहबरेखेल टीचरों का ये प्रदर्शन यहां पर जारी हो चुका है और साथ ही साथ भाजपा के मुख्यालय के बाहर फरियादियों का अब यहां बड़ा तांता जो है वो लगना शुरू हो गया है। तो कश्मीरी पंडित विस्थापित मुलाजिमों ने बाल बच्चों समेत यहां किस तरह से धरना प्रदर्शन दे दिया है। कई दिनों से ये लोग अपनी मांग सामने रखे हुए थे कि आखिर किस तरह से कार्यवाही होनी चाहिए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आप देखिए कश्मीर पंडित विस्थापित मुलाजिमों का प्रदर्शन और रहबरेखेल टीचरों का भी प्रदर्शन यहां पर शुरू हो चुका है। लेकिन क्या कुछ है पूरी जानकारी, रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रितिका, क्या कुछ जानकारी है किस तरह से वहां पर ये कार्यवाही की गई, क्योंकि आज आप देखिए कश्मीरी पंडित विस्थापित भी और रहबरेखेल के टीचर्स भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं आज भाजपा के मुख्यालय के बाहर। रितिका आवाज आ रही है? देना चाहते हैं कि भाजपा कार्यालय के बाहर रहबरेखेल के तमाम एम्प्लॉइज प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हजारों की तादाद में ये एम्प्लॉइज यहाँ पहुंचे और इन्हीं से बातचीत भी मैं करना चाहूंगी। उनका जो प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है, क्या मैसेज है आप सरकार को देना चाहेंगे? ओके मैम, ऐसे हमारा क्लियर रहती है क्योंकि रहना साफ हो रखे हैं, आप जानते हैं रहना साफ के कहने पे हमने प्रोटेस्ट का हल किया था अपना। पहले एजी साहब तक बीमारी एजी साहब ने बोला था 7 दिन के अंदर आपका सेक्टर स्टार्ट आउट हो जाएगा। इसके बाद आज 7 महीने हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये ऐसे कल स्टेडियम से पीसफुली सिंगल लैंग्वेज तरीके से हम जा रहे थे वहां पे बनर हाउस के पास, लेकिन हमें नहीं जाने दिया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं होगी हमारी। उसके बाद दूसरे कौन थे, रविंदर राणा जी, जिन्होंने हमारे लिए कमेटियां गठित की, बड़ा कुछ किया। आज उनके पास भी आ गए हैं उनको बताने के लिए कि अगर आपने हमारे एक आधे एक दो दिन में क्या प्रयत्न नहीं करें, क्योंकि हमने बड़ा विश्वास पर लिया। हम देख रहे हैं कि कुछ सुनवाई नहीं है, एजी स्टेशन के पास हमें पहुंचते नहीं दिया जाता। हम कल यहां से 11 बजे दिल्ली की ओर जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के पास, अपने प्रधानमंत्री के पास, जिसको हम ज्वाइन करते हैं। तो हमें लेकिन आपने देखा था कि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से क्या कुछ कहा गया था कि जितने भी यहां पर कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं, रिजर्व कैटेगरी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उन सबको अपने काम पर वापस जाना होगा क्योंकि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट सारे कर दिए गए हैं, साफ शब्दों में कह दिया गया था। बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित भी इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं और रहबरेखेल एम्प्लॉइज भी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और कश्मीरी पंडितों का ये कहना है कि मनोहर सिन्हा की तरफ से सिर्फ कहा जा रहा है कि सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, परंतु सुरक्षा के इंतजाम है नहीं और ना ही उनमें सुरक्षा की भावना लोग पैदा कर पाए। और वहीं पे जो रहबरेखेल के तमाम एम्प्लॉइज है, इनकी पोस्ट को जब डीफ्रीज किया जा रहा है तो इनकी नौकरियां पिछले खत्ते में आ रही है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा, आज से 7 महीने पहले इनसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने वादा किया था रहबरेखेल एम्प्लॉइज से, उसे पूरा नहीं किया गया। कश्मीरी पंडितों के लिए जो भी दी जा रही है, जो भी बातें की जा रही है, लेकिन रितिका अगर एलजी मनोज सिन्हा की बात को सुना जाए तो वो कहते हुए नजर आए थे कि कश्मीरी पंडित जितने भी मुलाजिम हैं, जो लोग यहां पर इस वक्त धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, 31 अगस्त तक का समय मांगा गया था और वो दिया गया, उसके बाद आपको अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करना है। और उससे भी बड़ी बात उन्होंने ये कही थी कि जहां पर भी लोगों को तैनात किया गया है, 2 से 3 लोग इनके साथ रखे गए हैं और अलग अलग जहां पर पुलिस पोस्ट भी बनाई गई है और कई जवानों को भी तैनात किया गया है। तो क्या लगता है कि जमीनी हकीकत में कुछ ऐसा दिखा है कि नहीं, क्यों अभी आखिर ये अब फिर से यहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं? मनोज सिन्हा द्वारा जो बात कही गई थी दी गई है, मार तो कुछ वहां से नहीं दी गई है। वहीं पर कश्मीरी पंडितों का कहना की ऐसा कुछ भी नहीं है, पिछले 6-7 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है। तो एलजी मनोज ने बयान आ गया वो सरासर झूठा है। और दूसरी बात जो सुरक्षा की बात हो जाती है कि 2-3 लोग सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं, उस पर भी लोगों ने कहा है कि जिन्हें पहले टारगेट की गई, जिन भी व्यक्तियों की उन्हें भी सुरक्षा प्रदान की गई थी, उन्हें आइडेंटिफाई करके उनके दफ्तर में घुस के फिर उन्हें मारा गया। तो यही से लोगों क्या भाजपा मुख्यालय के अंदर ये लोग अभी पहुंचे हुए हैं,
बाहर आकर किसी की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है रेवरेखेल टीचर्स को और यहाँ पर इन मुलाजिमों को? बिल्कुल, आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। इस वक्त भाजपा कार्यालय के बाहर तमाम कश्मीरी पंडितों के बीच में रविंद्र रैना बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए। आप देख सकते हैं बड़ा जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। रविंद्र रैना उनसे बात करने के लिए पहुंचे और उसके बाद हो सकता है कश्मीरी पंडितों के बाद इस तरफ तो प्रदर्शन हो रहा है रेबरे खेल के तमाम में, तो हो सकता है वो उनके पास भी बातचीत करने के लिए आए। आप तमाम चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि किस तरह से भाजपा मुख्यालय के बाहर कश्मीरी पंडित विस्थापित मुलाजिमों का प्रदर्शन है और रेबरेखेल टीचरों का भी प्रदर्शन है। लेकिन साफ तौर पर आप देखिए एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कई शब्दों में यहां पर कई बातें जो है वो सामने रखी गई हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि यहां पर भाजपा मुख्यालय के अंदर किस तरह से बात जो है वो सामने रखी जाएगी। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको रामबन लिए चलेंगे और रामबन से आपको बड़ी खबर दिखा देते हैं, क्योंकि आप देखिए किस तरह से रामबन के अंदर जो है वो खबर देखने को मिल रही थी। लगातार यहां पर रामबन की बंगा पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और ग्रामीण विकास विभाग के काम में ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह से आरोप लग रहे हैं और बीडीओ ने मामले का संज्ञान लेकर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप रामबन से देख रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है और रामबन की बंगा पंचायत से ये पूरा मामला देखने को मिला, जहां ग्रामीण विकास विभाग के काम में जो मटेरियल इस्तेमाल में लाया गया है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और साथ ही साथ वीडियो ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर इस पर कार्यवाही करने का निर्देश जारी कर दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि कार्यवाही करने के दिशा निर्देश जारी तो कर दिए हैं, कितने समय में ये कार्यवाही की जाएगी और किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश होगी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से ये रास्ता यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट ये चढ़ गया है। वीडियो की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि बहुत ही जल्द यहाँ पर जांच की जाएगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से अभी कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि दिशा निर्देश तो जारी कर दिए गए? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो विजुअल्स में हम दिखा रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट रामबन के ब्लॉक रामबन की पंचायत बागना है, जहां पर इसको कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। क्योंकि अगर हम देखें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, अगर कहीं गांव के अंदर अगर कोई काम होता है, रास्ते बनते हैं, वहां पर वाटर टैंक्स बनते हैं, वहां पर लैंड एंड ड्रेन का काम होता है, तो रूरल डेवलपमेंट ही एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होती है। हालांकि वहां पर अब देखें, क्योंकि लोगों के एतराजात सामने आना शुरू हो गया, इससे पहले भी हमने एक खबर चलाई थी कि वहां जो पंचायत है वहां पर जो काम चल रहे हैं वहां पर लोकल सैंड और लोकल एग्रीगेट जो है इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जो वहां के नदी नालों से निकाला जा रहा है, जिसमें मिट्टी शामिल होती है। हालांकि बागना के लोगों ने बीडीओ ऑफिस में शिकायत दर्ज की और जहां बीडीओ ऑफिस की बात करें, बीडीओ ऑफिस की तरफ से भी वहां पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स भेजे गए इन तमाम चीजों को चेक करने के लिए कि क्या ये जो क्वालिटी जिस तरह की होनी चाहिए थी, जो अलॉटमेंट पे है या जो फिर एस्टिमेट पे है, वो जो क्वालिटी हमें देखने को मिल रही या नहीं। और टेक्निकल एक्सपर्ट्स जब वहां पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है कार्रवाई तो होगी, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रेक्टर्स है। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए तरक्की एक तरफ है लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा था टेंडरिंग के प्रोसेस से ये बताया गया था कि करप्शन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और काम में कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम उस पंचायत के अंदर पहुंचे, वार्ड नंबर 7 के अंदर ये काम चल रहा है और जहां हम बात कर रहे थे तो लोगों का ये मानना था, हमेशा से आरोप यही लगते हैं कि क्वांटिटी ऑफ वर्क नहीं चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए। तो क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए काम करने की बहुत जरूरत है। इस तरह से दिशा निर्देश तो जारी कर दिए गए, लेकिन अगर पहले से ही चेक लगाया गया होता तो दिशा निर्देश जारी करने की जरूरत नहीं पड़ती अभी वीडियो को। जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि इसमें 2-3 डिमेरिट्स है जिसको हम कहेंगे कि क्वालिटी में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। क्योंकि एक देखिए जाहिर सी बात है कि आपके पास एक टेक्निकल एक्सपर्ट है, 4-5 पंचायत में जाना है और इसमें अगर एक पंचायत के अंदर देखिए 6-7 काम चल रहे हैं, अगर 5 पंचायत है तो 25 काम चल रहे हैं। जाहिर सी बात है रामबन जैसे इलाके की जब आप टोपोग्राफी देखेंगे तो परेशानियां काफी सारी है कि एक एम्प्लॉय के लिए वहां पहुंचना काफी मुश्किल रहता है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, क्योंकि चाहे वो एमपीडब्ल्यूज हो, वीएलडब्ल्यूज हो या फिर जेईज वगैरह हो, तो उनकी मैन पावर की तो एक कमी है और दूसरी बात क्वालिटी की हम यहां से भी देख रहे हैं कि शिकायत आ रही है। लोगों का ये कहना है कि जहां ये टेंडरिंग के सिस्टम से तो करप्शन कहीं ना कहीं खत्म होती, काम में क्वालिटी देखने को मिलती, लेकिन ये जो काम है जिस काम के हम विजुअल्स प्ले कर रहे हैं वार्ड नंबर 7 बागना के, ये काम जो है सबलेट किया गया है, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो खुद नहीं कर रहा बल्कि किसी और को सौंपा हुआ है कि आप इस काम को कर दीजिएगा, यानी जो अपना कमीशन वो उठा लिया और उसके बाद किसी दूसरे को काम सौंप दिया। तो यहां से भी हम कहेंगे कि क्वालिटी की अगर कहीं ना कहीं खराबी आती है तो इसके लिए वो ठेकेदार भी रेस्पॉन्सिबल है जो सबलेट कर रहा है इस काम को, और डिपार्टमेंट की इंक्वायरी की जहां बात है
डिपार्टमेंट की जानिब से इस तमाम चीजों को देखा जा रहा है कि कहां पे फॉल्ट है, उस चीज को रेक्टिफाई किया जाएगा या फिर एक्शन लिया जाएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल हमेशा की तरह यही बात देखने को मिली कि इंक्वायरी इनिशिएट हुई है, इंक्वायरी रिपोर्ट या एक्शन टेकर रिपोर्ट सामने आएगी या नहीं आएगी, ये देखना तो बात की बात तरह से है। लेकिन फिलहाल इंक्वायरी की बात कही गई। ठीक है नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये काम आगे दे दिया गया है। कॉन्ट्रैक्टर्स पर भी इस तरह से नकेल कसने की जरूरत है कि आखिर आप लोगों को अगर काम दिया गया है तो जाहिर तौर पर इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको उधमपुर लिए चलेंगे और उधमपुर से आपको खबर दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए आम लोगों को किस तरह से परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ रही हैं। उधमपुर जिले के दूरदराज के सोन गांव में अभी तक तस्वीर नहीं बदली है और आजादी के 75 सालों बाद भी सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है और आज तक की सभी सरकारों की अनदेखी का ये गांव यहां पर शिकार हुआ है। इस तरह से लोगों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और इस वक्त आपको उधमपुर जिले के दूरदराज इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सरकार की तरफ से एक बड़ा दावा पेश किया जाता है कि दूरदराज के इलाकों के अंदर मूलभूत सुविधाएं आम जनता को दी जा रही हैं, लेकिन सोन गांव की तस्वीर अभी तक नहीं बदली है। तो आजादी के 75 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है और आज तक किसी भी सरकारी नुमाइंदे की तरफ इसका ध्यान जो है वो नहीं गया है, यानी कि किसी भी सरकारी नुमाइंदे ने इस सड़क की ओर अपना ध्यान नहीं गड़ाने की कोशिश की है। कहां पर कमियां रह गई, आखिर क्या वजह रह गई, किस तरह से यहां पर ये लोग इस पूरी सुविधा से वंचित रह गए हैं, ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं जरूर उठता है, क्योंकि दूरदराज का इलाका है और सरकार की तरफ से एक बड़ा दावा पेश किया गया था कि दूरदराज के इलाकों को भी शहरों के साथ यहां पर जोड़ा जाएगा, शहरों तक कनेक्टिविटी जो है वो बनाई जाएगी। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से ये कनेक्टिविटी जो है वो बनती हुई नजर आ रही है, जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहा है, जहां पर आप देखिए आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है और कहीं ना कहीं सरकार के दावों की यहां पर पोल खुल रही है। और सरकार की तरफ से जो दावा पेश किया गया था कि सड़क अभियान जो चलाया गया है कि हर घर तक सड़क पहुंचानी है, बिजली पहुंचानी है, पानी पहुंचाना है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है, ग्राउंड पर उतरकर जमीनी सतह तक पहुंचने की जरूरत है। और जमीनी सतह पे आप साफ तस्वीरें देख सकते हैं कि सोन गांव है जिला उधमपुर का, जहां पर आज भी ये लोग सड़क सुविधा से वंचित हैं और अभी तक ये काम नहीं हो पाया है। किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, जिस तरह से तस्वीरें भी दिखा रही हैं कि लोग पैदल किस तरह से चढ़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, पहाड़ी का सहारा लिया जा रहा है, क्या लगता है कि आखिर क्यों अभी तक यहां रोड जो है वो नहीं पहुंच पाया है? बिल्कुल, देखिए ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पे ये सोन गांव है। जब हम यहाँ पे पहुंचे 3 से 4 घंटे पैदल सफर किया, हम जब हमने ग्राउंड पे ये देखा कि आजादी के बाद आए दिन तक इस गांव के अंदर रोड की जैसी फैसिलिटी नहीं है। और आपको बता दूं कि ये वो पंचायत है जो पूर्व विधायक आरएस पठानिया या हर्ष देव जो रह चुके हैं, कहीं ना कहीं लोगों के मुताबिक इनका ये आपको कहना है कि जब बोर्ड का टाइम है तो ये लोग के टाइम यहाँ पे हमारे गांव के अंदर जरूर आते हैं, लेकिन ये दावे करते हैं कि हम आपको हर चीज की यहाँ पे फैसिलिटी दी जाएगी। लेकिन आशा आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं किस तरह उन्होंने से एक रास्ता बना रहा है, जिस रास्ते से ये गुजर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जब बीमार के अंदर कोई बीमार हो जाए, पुराने जमाने के अंदर जिस तरह से चार पाई से लेके जाते थे, उसी तरह का गांव का हाल है। क्या लगता है किशोर कि जो इनके नुमाइंदे थे, जो इन्होंने विधायक चुने थे, उन्होंने अभी तक इनकी इस सब पूरी समस्या को क्यों नहीं सुना, क्यों सड़क संपर्क बनाने की कोशिश नहीं हुई है? बिल्कुल, देखिए जब इन लोगों का भी खास तौर पर कहना है कि जब बोर्ड का टाइम होता है, जब ये जीडीसी या जीडीसी के इलेक्शन की काफी गांव के अंदर जो थे लोगों का यहाँ पे दौरा रहा, काफी उनकी तरफ से ये कहा गया उन लोगों को ये पूरी तरह से स्पष्ट कहा कि हम आपके गांव तक रोड पहुंचा देंगे, करवाए जाएंगे। लेकिन ये कहना है कि अभी तक कोई भी जो अलग अलग टीमों की मैं बात करूँ, डिपार्टमेंट की टीमों की मैं बात करूँ, तक इस गांव के अंदर जिस तरह से बैक टू विलेज की भी बात की, इन लोगों को ये तक नहीं पता है कि बैक टू विलेज क्या है। जहां 3 से 4 घंटे जो लोगों को ये सिटी की तरफ आना हो तो उनको 3 से 4 घंटे पैदल सफर करना पड़ता है, लेकिन इन लोगों का ये साफ तौर पर भी हमने ये देखा कि साथ में तभी नदी है। लगभग कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? बिल्कुल देखिए 5 से 6 घंटे यहाँ इस एरिया के लिए पैदल लगते हैं और 25 से 30 हजार की यहाँ इस गांव के अंदर आबादी है। और ये जो सड़क है, अगर ये सड़क बनती है टूडू बसंतगढ़ के इलाकों के जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस रोड का फायदा होगा, लेकिन
आश्वासनों पे आश्वासन इनको मिलते हैं। और पिछले दिनों मैंने ये साफ तौर पर देखा था कि इस गांव का एक जो नौजवान की तरफ से ये आवाज उठाई थी वो जम्मू तक भी गई थी। कहीं ना कहीं जो बीजेपी आफिस के कार्यालय के बारे में रविंदर रैना जी से भी बात की, लेकिन उनकी तरफ से कहीं ना कहीं को आश्वासन मिले। और पिछले दिनों हम ये देखा कि डीटीसी जो चेयरमैन यहाँ उधमपुर है उनसे भी कहीं ना कहीं ये मिले, उनकी तरफ से ये कहा गया जब भी कोई स्कीम आएगी तब तक इस गांव के अंदर रोड पहुंचा के देंगे। लेकिन ये बात ये देखी हमने कि इस तरह के आश्वासन कहीं ना कहीं यादी के बाद इन लोगों को जो है आश्वासन दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को आश्वासन दिए गए हैं और अभी तक सड़क संपर्क जो है वो बनता हुआ नजर नहीं आया है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको कश्मीर घाटी से खबर दिखा देते हैं क्योंकि कश्मीर घाटी में चिल्लई कला के इस दौर में जहां हड्डियां कपकपाने वाली ठंड पड़ रही है तो वहीं जम्मू संभाग में भी मौसम खलनायक की भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बात करें अगर जम्मू व इसके आसपास के इलाकों की तो यहां सभी इलाके कोहरे की सफेद चादर में लिपट गए हैं और पिछले दो दिनों से जहां शाम ढलते ही कोहरा पड़ जाता है तो वहीं आज के दिन में आप देखिए किस तरह से कोहरे का बेहद असर देखा गया। तापमान में आई हुई बेहद गिरावट से लोग कांपने को मजबूर हो गए हैं और जम्मू में अब ठंड का आलम यह है कि हर कोई अपने आप को गर्म रखने के लिए हर संभव उपाय करता हुआ नजर आया। तो मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी भी की है और ऐसा होने से आप देखिए किस तरह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। देखिए मौसम का ऐसा हो गया है कि तीन दिन हो गया, परसों शाम से अचानक इतना सर्दी बढ़ गया, धुंध बढ़ गया है कि ठंड का तो जोरा नहीं है। परसों से आज तक कल हो गया, आज हो गया, पहाड़ी इलाका में जैसे बर्फ पड़ रहा है वैसे वो ठंड यहाँ जम्मू में एकदम बढ़ करके पूरे सबको परेशान हो गया। अब इसलिए जिसका कोई मफलर डाला है, कोई टोपी डाला है, कोई जाकर के उससे भी नहीं होता, फिर यहाँ आग जलाया हूँ या आग सेक करके हम सभी यहाँ टाइम बिता रहा हूँ। बहुत मौसम बढ़ गया ठंडी की वजह से, तो हम सब काम छोड़ करके यहाँ आग सेक रहा हूँ। जहाँ चौक चराब गए वहाँ लकड़ी ढूंढ ढूंढ कर लाता हूँ, आग जलाता हूँ, सभी आदमी आग सेकता हूँ ठंडी से बचने के लिए, क्या कर सकते हैं। हमारे कल से जिस हिसाब से मौसम हमारा है जम्मू के और पहाड़ी इलाके से कल की धुंध जब पड़ रही है तो ये प्रत्येक दिन रोज मतलब बढ़ते जा रहा है। बेसिकली जब तक बारिश ना हो तो ये मतलब मसला और आगे बढ़ते जाएगा जिस हिसाब से है यहाँ पे। तो हमारा जो अभी जो कोई टोपी लगा रहा है, कोई आग सेक रहा है, तो ऐसे मतलब बहुत सारे बंदे जो बाहर के भी है, जो यहाँ के लोकल भी है, तो सारे मतलब कोई जो काम रोजगार हुआ सब मतलब बंद कर दिया है काम कल से। तो बेसिकली काम इसलिए ठंड के वजह से काम बंद किया गया है। सर ऐसा है कि हम लोग ठंड दो दिन से इतना बढ़ गया है कि आग जला करके हम लोग ताप रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा है कि अभी जो है ठंड भी काफी हो सकता है आगे भी बढ़े। अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है ठंड। हाँ ठंड तो बढ़ रहा है, दो दिन से ठंड लगातार बढ़ रही है। तो दुनिया भर में क्रिसमस के पर्व को लेकर यहाँ त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। क्रिसमस को लेकर ये तैयारियां जोरों से चल रही हैं और जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी क्रिसमस के पर्व की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है और पुंछ में भी यहाँ गिरजाघर सजाए जा रहे हैं और क्रिश्चियन बिरादरी के फादर जो कि जॉर्ज हैं उन्होंने क्रिसमस की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि हर साल पुंछ में क्रिसमस का त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हमारे क्रिसमस का तैयारियां काफी देर से हम पे चल रहे हैं। फर्स्ट साइड से हमने स्टार को लगाया और उस पे प्रिपरेशन अभी उसी दिन से हमने चल रहे हैं। आज तो उसका कल्मिनेशन तो हो रहे हैं और हमारा क्रिसमस के जांगी कल दोपहर को 2:30 बजे हम शुरू करेंगे और 4:30 बजे हम कमसर चर्च में उसको अंत हो जाएगा और उसी जांगी में पूंजी के सारे निवासियों को हमने इनवाइट करता हूं और हमने प्रभु मसीह के जन्म का खुशियां हमारे साथ बांटने के लिए आप सबको हमने निवेदन करते हैं, हमारे साथ हमारे खुशियों में भाग लेने के लिए सबको हमने इनवाइट करते हैं। और परसों सुबह 11 बजे हमारा चर्च का प्रेयर में शुरू हो जाएगा और उसके बाद हमने लंगर का बंदोबस्त भी किया है।
पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का कहना था कि सरकार ने उनकी समस्याओं को हल करने की बात कही थी लेकिन उनकी समस्याओं का आज तक निस्तारण नहीं हो पाया है। इन लोगों ने कहा कि उन्हें सिर्फ आश्वासन दिए गए हैं और साथ ही उपराज्यपाल प्रशासन और केंद्र सरकार को उनके मसले हल करने की भी वो मांग आज करते हुए नजर आए कि जल्द से जल्द उपराज्यपाल को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। अपना प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि काफी देर से ये इशू आज का नहीं है, 70-72 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने सिर्फ हमें 5.5 लाख रुपया देकर शांत करने की कोशिश की और हमें इन्होंने ये वायदा किया था जो जेपीसी की रिकमेंडेशनें हैं हम उसके मुताबिक आपके जितने भी इश्यूज हैं उनको हल करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए, सिर्फ हमें एक टाफी देकर खुश किया। अभी मैं फिर अपनी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एसजी साहब से और सेंट्रल गवर्नमेंट से मोदी साहब से इल्तजा करता हूँ कि ऐसे काम नहीं चलेगा। जो आपने हमारे साथ जेपीसी की रिकमेंडेशन में दिया है उसके मुताबिक आप कार्रवाई करिए, हमारे इशू को जितनी भी हमारी तकलीफात ना डिमांड्स हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करिए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।